ये देखो ए ये देखो ए, तालाब हो, बोरवेल हो और जंगल हो, ना ऐसे जगह पे मेरे को मस्त लगता है, अच्छा लगता है। कैसा है इधर का? इधर तो कुछ कुछ बना रहे हैं घर वर। मुझे तो यार सिंगर होना चाहिए, कहाँ ब्लॉगर बन गया भाई। है तो हम लोग ये वाले रास्ते से जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है, सीधा मेन रोड निकलता है भाई। वीडियो देखे से पहले हमार मुकेश राठिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर चालू कर दे, ताकि हमार वीडियो आप मल्ला सबसे पहले देखे बर मिले। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा मैं छर्रा टांगर आया हूँ, और छर्रा टांगर से अभी हम लोग 1 बजे के आसपास अभी निकले हुए हैं अपने साले के साथ। पीछे में बैठा हुआ भाई, बाद में मिलाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग स्कूल के पास एक तो रास्ता कटा हुआ है, जंगल वाला रास्ता, तो उसी रास्ते पर अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक से। देख रहे हो भाई, भयानक जंगल लग रहा है भाई, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। एक तो हाथी भी रहता है जंगल में, वैसे कभी कभी निकलता है, हमेशा नहीं निकलता। नाइट में ज़्यादा खतरा रहता है, दिन में नहीं रहता। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं भाई, हम सुसु ब्रेक लिए थे। क्या बोला तूने? इधर से आ रहे हैं हम लोग, इधर देखो जंगल ही जंगल है भाई, सब तरफ इधर जंगल। इधर जा रहे हैं हम लोग, इधर बैया मुड़ा है, और देख रहे हैं भाई जंगल में ना हाथी भी रहता है भाई, तो डर डर लगता है। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को घड़ घोड़ा तमनाथ क्षेत्र गाँव। मेरे साथ में ये जा रहे हैं, देखो आए तो कर लेगा, मास्क लगाए हो। कौन गाँव जाती थी जाना था पंडरी पानी। तो चलो भाई, इधर लेफ्ट साइड में रास्ता गया हुआ था, उसमें उधर पंडरी पानी और कौन कौन से गांव जाते हैं, और ये तो सीधा बैया मुड़ा निकलेगा। बैया मुड़ा होते हुए घड़घोड़ा, घड़घोड़ा निकलेंगे हम लोग सीधा, घड़घोड़ा से हम लोग जाएंगे नुंदरहा। नुंदरहा आप लोग सुने ही होंगे। तो भाई लोग, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बैया मुड़ा, दिख रहा होगा गाँव आगे साइड में है। आज का मौसम ना ठीक है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं किया है, हल्का हल्का बदली, हल्का धूप, तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो गर्मी में परेशान हो जाते, बाइक चलाते चलाते दिमाग ख़राब हो जाता। गांव का आधा बस्ती उधर लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग ये वाले रास्ते से जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है, सीधा मेन रोड निकलता है भाई। हम लोग ना मेन रोड से भी जा सकते थे, बट हम लोगों को इधर इसमें आना था जंगल वाला रास्ता में, क्योंकि मेन रोड में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है। मेन रोड में इतना धूल मिट्टी है ना कि बहुत दिक्कत होता है उधर, इसलिए हम लोग जंगल वाला रास्ते से आ रहे हैं। अभी आते टाइम इसी में आएंगे हम लोग नुंदरहा। इसकी बड़ी मम्मी बड़े पापा गांव जा रहे हैं कुछ काम से, बड़ी मम्मी बोले तो इसकी माँ की बड़ी बहन, तो मेरी बड़ी सास, तो वही जा रहे हैं हम लोग। चलो दिखाएंगे आप लोगों को नुंदरहा गांव। यहाँ से पक्की रोड है, इधर आधा बस्ती बैया मुड़ा का आधा बस्ती इधर है लेफ्ट साइड में इधर, तो हम लोग इसमें जाएंगे राइट साइड में। ये राइट रोड ना सीधा मेन रोड निकलेगा घरघोड़ा से खरसिया वाला मेन रोड। चलो भाई, शाम तक मुझे वापस घर भी जाना है, तो देखते हैं वापस आ पाऊँगा तो जाऊँगा घर, और देरी हो जाएगा तो यहीं रुक जाऊँगा छर्रा टांगर में वापस आके। ये देखो भाई, छुट्टी हो रहा है अभी, स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाता है आजकल, सुबह लगता है शायद स्कूल, तो जल्दी छुट्टी हो गया है। देखो बच्चे लोग आ रहे हैं, सभी बच्चे लोग। ये देखो महुआ का पेड़ है अगल बगल, अपने तरफ भी ना महुआ का पेड़ ही होता है ज़्यादा, टिकरा में मैदान में सब तरफ महुआ का पेड़ देख रहे हो। यहाँ से मेन रोड दिख रहा होगा सामने में, ये देखो मस्त गेट बना हुआ है पाठक बैया मुड़ा का गेट। तो यहाँ से मेन रोड शुरू होता है, और यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर होगा घड़घोड़ा। सा सा रे आ, आ, अरे तो मुझे तो यार सिंगर होना चाहिए, कहाँ ब्लॉगर बन गया भाई, सिंगर बनना था भाई। अभी हम लोग घड़घोड़ा पहुंचने वाले हैं, ये है घड़घोड़ा का कारगिल चौक, ये देखो चौक, ये देखो चौक, ये देखो मारवा देता भाई, अभी इधर ही मोड़ दे रहा था, हम तो गए काम से, हो जाए रहते अभी घुसा जाते गाड़ी के साथ। चलो भाई, बस बाल बाल बाते हैं भाई, इधर ही बाइक का हैंडल को इधर ही घुमा दिया था, लग जाता तो हमको बोलता कि घुसवा दिए करके। देखो भाई सिटी पहुंच गए। चलो भाई, ये है घड़घोड़ा, तो चलो यहाँ से हम लोग कुछ सामान वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे फिर सामान खरीदने के बाद। हाँ तो हम लोग अभी घड़घोड़ा में रुके हुए हैं, घड़घोड़ा में। चलो भाई सामान भी खरीद ले, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये देखो भाई, ये कौन सा चौक बोलते हैं इसको, जय स्तंभ चौक बोलते हैं क्या, कौन सा चौक बोलते हैं। यहाँ से हम लोग राइट में जाएंगे,
लैलुंगा रोड पे चलेंगे, इधर राइट साइड में। चलो भाई, आजकल बाहर बनाते हैं बनाते चलते हैं इसमें। अभी तो धूप कर रहा है भाई, देखो खतरनाक। इधर का रोड मस्त चौड़ा है, देखो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा है, थोड़ा दूर और बचा है। कौन सा गांव बोलते हैं, ओराई मुड़ा के पास से कटना हो। ये देखो भाई पहुँच गए, यहाँ से हम लोगों को राइट में जाना होगा, यहाँ पे पेट्रोल पंप। तो दोस्तों हम लोग अभी अलग रास्ते से जा रहे हैं भाई, ये है ओराई मुड़ा। तो हम लोग ओराई मुड़ा को नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि गाँव को देख के जाते हैं, तो इधर से जा रहे हैं भाई। चलो चलो भाई, फर्स्ट टाइम आए हैं ओराई मुड़ा, देखो गाँव कैसा है इधर का। इधर तो कुछ बना रहे हैं घर वर, थोड़ा सा घुमाव होगा, लेकिन इधर से चलते हैं घूम करके, देख के जाएंगे गांव को। चलो भाई, ये देखा हूँ बोल रहा है, मैं तो नहीं देखा हूँ, तो ये देखा है ना, तो ये ही रास्ता बताएगा, और भूल जाएंगे तो ये सब यही जानेगा, रास्ता भूल जाएंगे तो। वैसे देखा हूँ बोल रहा है, पहले के टाइम पर ना मैं बहुत घूमा हूँ, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बना रहा था, उस टाइम आइडिया ही नहीं था वीडियो बनाऊं करके। तो अभी वीडियो बनाना शुरू किया हूं, तो अभी घूम नहीं पा रहा हूं। कभी कभी जाना होता है यार आजकल, तो पहले घूमता था। तो चलो जब भी मौका मिलेगा तब आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा अपने रायगढ़ ज़िले के, या रायगढ़ ज़िले से बाहर का। जब भी कहीं जाएंगे तब पता नहीं आ रहा और कितना दूर बचा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब भूल गए हैं रास्ता, जैसे लंबा लग रहा है, ऐसा बहुत लंबा रास्ता है जैसा लग रहा है। A few moments later, भाई नुंदरा पहुंच गए हम लोग। बातचीत करते करते ना कैमरा ऑन करना भूल गया उधर, तो यहाँ पे मेरे को अचानक से याद आया, देखो गांव। ये अलग रास्ते से आ रहे हैं हम लोग, उस टाइम पहले भी वीडियो बनाया हूँ यहाँ का, देख लेना। तो भाई ये है नुंदरा, और हम लोग गाड़ी को अपना यहाँ पे खड़ा किए हैं, और सामान वगैरह ख़रीद रहे थे, यहाँ पे दुकान है। तो चलो, तो भाई हम लोग जा रहे हैं खेत के पास, बड़ी इसकी बड़ी मम्मी या बड़े पापा खेत के पास हैं, तो उन्हीं से काम है, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं भाई। तो हम लोग ना अभी गांव से बाहर से इधर फार्म हाउस है, इधर दिख रहा होगा, तो इधर ही आए हैं हम लोग। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप कर रहा है भाई, खतरनाक धूप। सुबह तो बदली छाई थी, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा धूप कर रहे हैं। सर तो अपने अंदर में पहले से पहुँच चुके हैं, कैसा लग रहा है गाँव में? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अच्छा चलो दिखाते हैं क्या क्या है अंदर में, ठीक है। इधर तो ट्रैक्टर है, और इधर बांस का गेट लगा हुआ है, देखो बांस वाला, और इधर पत्थर वगैरह पड़ा है भाई, क्या क्या है इधर। और ट्रैक्टर के ऊपर में ना महुआ सुखाए हैं, देखो इसको बोलते हैं भाई महुआ, ट्रैक्टर में जल्दी सूखेगा भाई। और एक चीज़ है यहाँ पे, देखो ये क्या है यार, ये तेंदू है, आप लोग खाते हो बताना तेंदू भाई, मेरे को तो लोभ लग रहा है यार, लेकिन नहीं खाते हैं, रख देते हैं। और इधर देखो ये है घर, फार्म हाउस, और ये देखो भाई बेर बोइर, और ये क्या है पता नहीं। इधर और कुछ है, ये तो घर है। हम लोग ना इधर आम के पेड़ के नीचे अभी मस्त मज़ा ले रहे हैं ठंडा हवा का, घर में थे। उधर घर दिख रहा होगा, फार्म हाउस। इधर मूंगान लगा हुआ है, इधर उधर छोटा सा तालाब भी है उधर। तो उधर घर में गर्मी लग रहा था, तो हम लोग आम के पेड़ के नीचे आए हैं इधर ठंडा हवा का मज़ा लेने के लिए। और इसमें ना आम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है भाई, छोटा दिख रहा है अभी। इसको बोल रहा हूँ जल्दी ब्याह करने के लिए, तो ठेला करूँगा बोल रहा है, मतलब डोकरा होते समय जना कोठी आम तोड़गा, आम खा के देख नमक के साथ में। छोटा आम यहाँ पे है, नीचे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटा सा आम है, देखो बड़ा को कहाँ खा पाएँ, मतलब खाने तो बनता है, ये नमक के साथ मज़ा आता है, लेकिन ये बहुत छोटा है भाई, ये देखो एकदम छोटा है, कच्चा है एकदम। वो दे आ गई इस तौर बड़खा बुआ साइकिल मारे, रिस कहाँ ने कहाँ का है माने टाइम हो इसमें 1:30 बजे, कत्ते कहाँ देखेगा कहीं तुम्हें चले कोठवा हम लोग इसे दे तो तो हम लोग ना उधर गए थे, आम का पेड़ दिख रहा होगा पीछे उधर, और इधर घर है भाई, इधर पीछे दिख रहा होगा मस्त। चलो साइड से कुछ ऐसे दिखता है घर को, देखो इधर गाय वाय को बांधते होंगे, और इधर खाना वाना बनाने के लिए चूल्हा वगैरह भी है। आओ।
इसकी बड़ी मम्मी ना हमको खाना दे रही थी, तो हम लोग घर से ही खा के आए ना, तो भूख भी नहीं लग रहा है। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत तरफ, देखने क्या क्या लगा है। ये देखो यहाँ पे तालाब भी है छोटा सा नहाने के लिए मस्त। ये देखो इसमें मछली भी होगा। यहाँ पे देखो धान का खेत जो है मस्त हरा भरा लग रहा है, और बीच में ये मेड़ है। मेरे को तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है भाई। चलो देखते हैं उधर और क्या क्या है। मेरे को ना ऐसे जगह पे मस्त लगता है जहाँ पे खेत हरा भरा खेत हो और तालाब हो, बोरवेल हो, जंगल हो, ऐसे जगह पे मेरे को मस्त लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे छोटा सा तालाब है, इधर इसमें मछली वगैरह भी डुबाए होंगे। पीछे साइड में जंगल है, पहाड़ पहाड़ है। थोड़ा सा तालाब ना बड़ा होता तो कितना अच्छा होता है। ये छोटा सा तालाब है और पीछे साइड हरा भरा खेत। धूप में खेत मेड़ पैर सब में घूम रहे हैं। इधर तो आम का पेड़ दिख रहा है, तो नीम का पेड़ है मस्त, उसका सब्जी मस्त लगता है। नीम फूल का सब्जी खाए हो आप लोग? खाते हो? नहीं खाते हो? हम लोग खाते हैं भाई डेली, हमारे घर के पास भी है नीम का पेड़। A few moments later. चलो भाई अपना घर जाने का समय हो गया है, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग नुंदरा से ना घर जा रहे हैं, छरा टांगर जा रहे हैं। छरा टांगर से मैं जाऊंगा अपने गांव, तो रात हो जाएगा तो नहीं जाऊंगा, अगर नाइट रात नहीं होगा तो चला जाऊंगा। और ये देखो अभी यहाँ पे रुके हैं हमने, कौन कहाँ है कोकनारा, तो हम लोग कोकनारा के पास रुके हुए हैं भाई। उधर ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया, बहुत मतलब सिर दर्द कर रहा था मेरा, बहुत मतलब सिर में दर्द कर रहा था, तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया। तो गाँव से हम लोग निकल आए हैं, इधर पीछे छूट गए नंदरा, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर रास्ता कटा हुआ है, वहाँ से हम लोग पार हो गए हैं और इधर कोकनारा के पास रुके हुए हैं, और इधर घड़घोड़ा और इधर लालुंगा। तो चलो हम लोग जा रहे हैं घर भाई। संगवारी हो, वीडियो अच्छा लगे हुई तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करे पर बिल्कुल जन बुलाऊ। फिर आप मन से जल्दी मिलबो अगला वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।